हाय एवरीवन आज हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें मल्टीपल कोलिजन हो रहा है एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट करा है दो वॉल के बीच में फ्रॉम वन एंड एंड वो मल्टीपल कोलिजन करके वापस से डी पॉइंट पे आके रुक जा रहा है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे कोई फीसेंट ऑफ प्रेस्टिट्यूशन क्या होगा एंड टाइम पीरियड क्या होगा देखते हैं इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले ये हमारे पास ये डाइग्राम है राइट right. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कहाँ हमें दिख रही है यहीं पे दिख रही है तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट एक हमें पता चल गया क्या है एच इज टू फाइव मीटर है ना अब सपोज दिस लेंथ दिस लेंथ इज एल व्हाट लेंथ ए के बीच का डिस्टेंस ए डी इज क्वस एल है ना अब अगर हमने ए पॉइंट से प्रोजेक्ट करा है तो वो बो बी पॉइंट पे क्या होगा वापस से बाउंस बैक होगा तो फिर क्या होगा बाउंस बैक होगा तो अगर ये बॉल वॉल जो है वो फ्रिक्शन लेस है क्योंकि फ्रिक्शन दे नहीं रखा कि फ्रिक्शन है तो हम इसको स्मूथ लेंगे तो क्या इसकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी तो नहीं होगी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज क्या होगा ये बॉल जो है वी एक्स हॉर्जेंटल एंड वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी से आएगा एंड वापस किससे जाएगा ई e टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी ई e

वापस से आने के बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई ई स्क्वायर यू कॉस्टिटा सिंपल अगर e से मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली e होता है ई इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो अगर u cos theta से आ रही है ये जो है वो u cos theta है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी E टाइम्स ऑफ cos theta

वो कोलिजन में चेंज होगी तो द आंसर इज नो वर्टिकल डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है ओके okay? तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में जो इक्वेशन हम लिखते थे वही लिखेंगे तो यहाँ लिखते हैं क्या लिखेंगे एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी नो फॉर्दर इक्वेशन क्यों क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है ग्रेविटी के अलावा एंड कोई भी कोलिजन uh, नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में कोलिजन किस डायरेक्शन में है ओनली इन हॉर्जेंटल डायरेक्शन तो वर्टिकल डायरेक्शन का जो इक्वेशन है वो एज इट इज रहेगा ओके okay? नाउ अब यहाँ पे यू कॉसिटा बाई टू जी टू क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट क्या है फाइव है है ना तो ये हो जाएगा नाउ अब यहाँ पे u साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल के रख लेते हैं u साइन थीटा क्या हो जाएगा ये ट्वेंटी है तो ट्वेंटी ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हंड्रेड तो ये क्या हो जाएगा टेन मीटर पर सेकेंड इज u साइन थीटा सिंपल अब अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ ओके टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी है ना तो ये क्या हो जाएगा टू यू थीटा विल बी टेन डिवाइडेड बाई टेन तो ये क्या हो जाएगा टू सेकेंड हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट वेरी सिंपल अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज करना है हमें ई निकालने के लिए ठीक है तब हम सोचते हैं कि हो क्या रहा है इस डायग्राम में वापस से जाए तो इतने टाइम ऑफ फ्लाइट पे बॉल यहाँ से यहाँ गया यहाँ से यहाँ गया यहाँ वापस से यहां आ गया है ना तो कितना टाइम है तीन टाइम है ए टू बी प्लस टी बी टू सी प्लस टी सी टू डी ये तीन टाइम इस टू क्या है टू सेकेंड है ना एंड द डिस्टेंस इज एल ओके तो हम क्या लिखेंगे एल डिवाइडेड बाई cos theta इनिशियली कितने वेलोसिटी से जाता है A टू B यहाँ से यहाँ कितने वेलोसिटी से जाता है u cos theta हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लिख रहे हैं है ना तो अब B टू C कितने वेलोसिटी से जाता है L डिवाइडेड by E u theta, क्योंकि एक बार कोलाइट कर गया तो वेलोसिटी ऑफ e से चेंज हो जाएगी ई e से मल्टीप्लाई हो जाएगी अब नाउ सी टू डी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ई स्क्सिटा वेरी सिंपल अब यहाँ पे हमें एक वेरिएबल और दिख रहा है वो कि जो कि क्या है एल बाई यू को जिसको हमें हटाना है टू फाइंड आउट ई है ना अब हम यहाँ पे फिर से जाते हैं तो हमें दिख रहे हैं कि हाइस्ट पॉइंट ये है है ना यहां से वो नीचे आ जा रहा है डी पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट सी से डी आने में उसको कितना टाइम लगेगा तो टाइम ये टाइम लग रहा है ये टाइम कितना है दिस ओके एंड ये क्या हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा होगा ना देखते हैं यहां लिख लेती हूँ मैं एल डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा इक्व टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट वन क्यों मैंने हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट किया क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पे है एंड मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना नीचे से मैक्सिमम हाइट जाने में लगा है सिंस द वर्टिकल वेलोसिटी इज नॉट

एल डिवाइडेड बाई यू कॉस स्टिटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे ई यू सॉरी ई स्क्वायर तो ऊपर हम कॉमन ले, ले लेते हैं अब हमको इसका यूज करना है एल कॉस कॉसिटा इक्वल्स टू ई स्क्वायर तो एल U यू कॉसिटा कॉमन ले लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाई प्लस वन बाई ई स्क्वायर इक्वल्स टू टू तो एल वाई यू को सीटा इक्व टू हम क्या लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे ई स्क्वायर है ना तो हम क्या लिखेंगे ई स्क्वायर इक्व टू टू स्क्वायर को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या ई स्क्वायर प्लस ई प्लस वन इक्व टू टू यहां पे अगर हम टू को इधर लेकर आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वन इक्वस टू जीरो है ना तो इस क्वाड्रेटिक को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्या लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओ ए सी डिवाइडेड बाई टू ए है ना तो माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन एंड वन का स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू तो आंसर क्या आ जाएगा ये प्लस फोर है तो ये आंसर क्या आ जाएगा रूट फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती ई तो माइनस वाले को हम इग्नोर करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ई इक्वल्स टू अंडर रूट फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाय टू तो ई क्वस्टम क्या लिखेंगे अंडर रूट फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया टू सेकेंड्स सिंपल है थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय फॉर नाउ.